नमस्कार, हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से डॉक्टर ए के प्रसाद यानी अनिल पतंग स्वागत करता हूं। बंधुओं, आपके लिए फल फूल, घास पात, पेड़ पौधे और किचन के मसालों के औषधीय गुणों की चर्चा करते हुए आपको तमाम रोगों से, खास करके आरोग्य पद्धति से, हमारे यहां आरोग्य पद्धति से चिकित्सा, ये आहार पद्धति से चिकित्सा होता है। आहार, आप खान पान के द्वारा ही ये प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। और आज जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह है काजू। काजू देख रहे हैं, काजू तो आप बहुत पसंद करते हैं, या कैस्यू नट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो सूखे मेवे में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसका प्रयोग तो हम लोग अनेक मिठाइयों में भी करते हैं और काजू की बर्फी तो बड़ा लाजवाब होता है। इसका देखिए मूल जन्म स्थान, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम ध्यान दें तो इसका मूल जन्म स्थान ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका बताया जाता है। एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक ने इस पर क्या किया, थाइवेट नाम था उसका, ने सर्वप्रथम इसका अवलोकन किया था बहुत दिन आज से मैंने 1500 वर्ष पहले यानी 1558 ईस्वी। इसके बाद इसके गुणों के कारण इसका विस्तार अन्य देशों में भी हुआ। अब तो भारत में भी प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, केरल और तमिलनाडु में बहुत अधिक, और उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी इसका उत्पादन होने लगा। और हम लोग भारत से अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड आदि देशों में इसका निर्यात करते हैं। इसका वृक्ष जो होता है वो 30-40 फीट की ऊंची होती है और यह लगभग 4 वर्ष के आयु में ही फल देने लगता है। और एक वृक्ष से कुल 10 से 20 किलो तक हमको यह जो काजू प्राप्त हो जाता है। इसका फल जो होता है, इसका जो काजू का जो गिरी जो देखते हैं हम, उससे 3 गुना इसका फल होता है। लाल, पीला, थोड़ा आभा लिए हुए, और इसका आकार जो होता है गुर्दे के जैसा कुछ होता, ऐसा होता है। और इसमें अनेक गुण तो है ही जो आप भी जानते हैं, और आज हम उसको बड़ा संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब हम इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट पर अगर ध्यान दें तो सबसे पहले तो एक बात नोट कीजिए कि इसमें बहुत हाई कैलोरीज होता है। 100 ग्राम काजू में 553 कैलोरीज होता है, इसलिए यह खास करके मोटापा को बढ़ा सकता है और परेशान कर सकता है। आपको इसके बाद बहुत कम भोजन लेने की जरूरत पड़ सकती है अगर इसका बहुत अधिक प्रयोग करते हैं तो। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शर्करा, फाइबर, विटामिन सी, ए, बी और B12, B6, नियासिन, राइबोफ्लेमिन, थियामिन, फोलेट, ओलिक अम्ल, फैटी एसिड के अलावा कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। देखिए प्रोटीन युक्त होने के कारण इसकी तुलना मांस से की जाती है। यह खास करके यही खासियत है कि इसमें प्रोटीन होने के बाद भी ये यूरिक एसिड को नहीं बढ़ाता, जो अन्य पदार्थों में जिसमें प्रोटीन होता है उसको खाने से यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। देखिए काजू की 2 प्रजातियां पाई गई है, सफेद और श्याम, या कसैला मधुर और कफ वर्धक होता, या वायु, कफ, गुल्म, पेट रोग, ज्वर, कृमि, व्रण, चर्म रोग, अर्स यानी पाइल्स, अफारा आदि को मिटाता है। और यह वात नाशक भी होता है, हृदय के लिए यह हितकारी है, और स्मरण शक्ति और कमजोरी में तो बहुत ही लाभकारी। इसके अधिक कैलोरीज होने के कारण इसके हम लोग 5 से 7 गिरी ही सेवन करने का सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, क्योंकि अब ये करता क्या है, जैसे स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, चाहे बच्चों में हो बड़ों में हो, आप इसमें मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम होने के कारण यह हमारे स्मरण शक्ति के लिए बहुत लाभदायक है। आप सुबह सुबह खाली पेट
पांच से सात वो क्या कहते हैं ये काजू का सेवन करें और उसके बाद थोड़ा सा शहद चाट लें ऊपर से। पेट रोग के लिए एक ढेप होता है, उसके साथ आप काजू के अगर प्रयोग कीजिए काली मिर्च और नमक के साथ, तो आप देखिएगा कि पेट रोग में बहुत लाभ करता है, पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है और जो मल विकार होता है उसको तो हमेशा दूर ही कर देता है, इसलिए यह बड़ा लाभकारी। मैग्नीशियम के कारण फैट और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जो मैग्नीज, लेकिन फिर भी कम मात्रा में सेवन करने से वजन घटाने में मदद मिल सकता है, और चूंकि यह एक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। देखिए हड्डियों के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण यह खास करके ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी का एक रोग होता है जिसमें वो भुड़भुड़ा हो जाता है, वो झरझर के गिरने लगता है, उसको रोकता है, हमारे रक्त को स्वस्थ रखता है, चूंकि इसमें आयरन और कॉपर होता है जिसके कारण जो हमारे यहाँ हमारे रक्त में लाल रक्त कण कोशिकाओं को बढ़ाता है जिसके कारण हमारा रक्त स्वस्थ रहता है। गर्भावस्था में हम लोग काजू खाने की सलाह देते हैं इसलिए कि देखिए उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो गर्भवती महिलाओं के रक्तचाप पोटासियम भी है इसमें है उसको तो ठीक ठाक रखता ही है, तथा पेट में जो बच्चे पल रहे शिशु पल रहा है उसके अस्थियों को मजबूत रखता है, और इसके सेवन से हमारे खास करके दांत और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। देखिए बालों का पोषण करता है, ये एंटी एजिंग भी करता है, बाल में जो समस्या है वो मजबूत बनाता है और असमय गिरने से उसको रोकता है, एंटी एजिंग का काम करता है, चूंकि जब इसका सेवन करते हैं तो हम कम उम्र के दिखने लगते हैं, हमारी झुर्रियां कम हो जाती है, और ये ब्लड प्रेशर में भी काम करता लाभकारी करता है, ये चूंकि इसमें बायो एक्टिव केक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसके कारण ये सिस्टोलिक जो होता है दो तरह के होते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये सिस्टोलिक प्रेशर को संतुलित करता है, और डायबिटीज में भी लाभकारी होता है, मैग्नीशियम को डायबिटिक फ्रेंड कहा जाता है, इसमें मैग्नीशियम है, और वो डायबिटिक फ्रेंड जो होता है ये मैग्नीशियम वो क्या करता है रक्त शर्करा के स्तर को घटाता है। इसके लाभ तो बहुत सारे हैं लेकिन इसके कुछ नुकसान जो होते हैं वो खास करके अधिक सेवन के कारण, चूंकि ये बहुत स्वादिष्ट होता है इसलिए लोग अधिक सेवन कर लेते हैं, और लोगों को पता नहीं है कि अधिक सेवन करने से क्या क्या हो सकता है। आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है, दस्त अगर हो रहा हो तो इसका सेवन ना करें, या दस्त हो भी सकता है, माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए इसमें सोडियम के कारण क्या होता है रक्तचाप को ही बढ़ा देता है, और रक्तचाप को बढ़ाएगा इसलिए ज्यादा मत खाइए, और कैलोरी और फैट की चर्चा तो हमने किया कि इसमें कैलोरीज बहुत होते हैं, 553 कैलोरी होता है 100 ग्राम, अगर आप 200 ग्राम खा लीजिएगा तो 1100 कैलोरी से ज्यादा तो बीचीगा खा लीजिएगा, तो आपको 1600 से 2500 के बीच ही कैलोरी लेनी है, बाकी चीज क्या खाइएगा, इसलिए आपका मोटापा बढ़ सकता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रख करके अगर इसका 5 से 7 गिरी खाते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा, वो लाभकारी ही होगा। और मैं आपको पहले भी बताया हूं कि हमारे यहाँ आहार पद्धति से चिकित्सा की जाती है, हम आहार पर ही जोर देते हैं, इसीलिए इस तरह के चीजों का हम बखान करने में लगे रहते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के आइकॉन की घंटी को दबा दीजिए और उसका नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दीजिए, तो हमारे सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी सबसे पहले, और हम आपको आपकी सेवा में हर निशंक सेवा में है रहता हूँ। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों का मधुमेह तो 3 से 30 दिन में ठीक होता है, पार्किंसन भी ठीक होता है, क्या कहते हैं रक्तचाप आपका ये ल्यूकोरिया वगैरह के लिए लोग आते हैं, ज्वाइंट पेन में भी ठीक होता है, तो आप इसको आहार पद्धति से ठीक करने के लिए हर्बल पॉइंट बेगूसराय से संपर्क करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, नमस्कार।